आंध्र प्रदेश के मंदिरों में अब सिर्फ हिंदुओं को ही नौकरी क्यों मिल रही है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि राज्य के मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही नौकरी मिलेगी। इस फैसले का मकसद है हमारे मंदिरों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाना। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे ये पक्का होगा कि मंदिरों का कामकाज हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से चले। इसके अलावा नायडू जी ने मंदिर के पुजारियों की सैलरी 50% बढ़ाने का भी ऐलान किया। नाई ब्राह्मण यानी मंदिर के नाई को अब कम से कम 25,000 रुपए महीना मिलेंगे और बेरोजगार वैदिक विद्वानों को 3,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। ये सारे कदम मंदिरों के प्रबंधन को बेहतर बनाने और धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं। इन बदलावों की निगरानी और मंदिरों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। आंध्र प्रदेश के मंदिरों की नीतियों में हो रहे इस बड़े बदलाव के बारे में और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।